हेलो फ्रेंड, क्या आपने अभी तक सी लैंग्वेज को केवल रटा है, समझा नहीं है? इसकी वजह से क्या आप प्रोग्राम नहीं बना पा रहे? आपको प्रोग्राम बनाने में प्रॉब्लम्स आती है? तो ये वीडियो आपके लिए। फ्रेंड, होता क्या है कि सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए ना, तो आप नए प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप प्रोग्रामिंग के सभी कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। जो सी लैंग्वेज के लिए बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो यदि आपके क्लियर नहीं है, तो आप प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे सी लैंग्वेज अपना काम करती है, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये प्रोग्रामिंग हेल्प करती है। यदि आप बिगनर हैं, यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपके जरूर सी लैंग्वेज किसी ना किसी सेमेस्टर में होगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, तो इसे बिना स्किप करिए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। फ्रेंड, सी लैंग्वेज प्रोग्राम के जरिए सीखना स्टार्ट करने से पहले कम से कम हमें थोड़ा तो सी लैंग्वेज के बारे में जानना जरूरी है कि सी लैंग्वेज को किसने और कब बनाया था। तो इसलिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा हुआ है कि सी लैंग्वेज को किसने और कब बनाया था। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि थ्योरी तो आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, वहां पर काफी सारी ऐसी साइड है जो आपको थ्योरेटिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। बट मेरा पर्पस है आपको प्रोग्राम के जरिए प्रोग्रामिंग सिखाना, क्योंकि सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मैं ऐसा मानता हूँ कि सी लैंग्वेज को प्रोग्राम बनाकर उसके जरिए सीखा अच्छे से जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम पहले थोड़ा सा लिटिल बिट सी लैंग्वेज के बारे में जान रहे हैं कि सी लैंग्वेज को किसने बनाया था। तो सी लैंग्वेज को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, डेनिस रिची। डेनिस रिची ने किसको बनाया था? सी लैंग्वेज को। उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसे कब बनाया था, तो इसे 1972 में बनाया था। कब बनाया था? 1972 में। किसके द्वारा बनाया गया था? डेनिस रिची के द्वारा। और एक और क्वेश्चन होता है कि कहाँ बनाया गया था, तो इसे फ्रेंड बनाया गया था AT&T की बेल लेबोरेटरी में। कहाँ बनाया था? AT&T की बेल लेबोरेटरी में। तो फ्रेंड, ये जो सी लैंग्वेज आई ना, इससे पहले एक लैंग्वेज और थी जिसे केन थॉम्सन ने बना लिया था, जिसका नाम था बी लैंग्वेज। क्या नाम था? बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज को केन थॉम्सन के द्वारा बना लिया गया था 1972 के अंदर। बट जो बी लैंग्वेज थी, वो सी लैंग्वेज जैसी ही कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, जिसे फाइनली डेनिस रिची ने दूर करा 1972 में और एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम है सी लैंग्वेज, जिसे आज तक आप अपने कॉलेज के सेमेस्टर में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, बी लैंग्वेज नहीं मिलती हमें, क्या मिलती है? सी लैंग्वेज। तो चलिए अब सीधे हम हमारे प्रोग्राम की ओर चलते हैं और वहां से हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है सी के अंदर। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम पहले बना रहा हूँ, फिर आपको इस प्रोग्राम के अंदर जो जो काम की चीजें होती है वो समझाऊंगा कि किस लाइन को लिखने से क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें किसी भी प्रोग्राम को अगर आप सी लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे ऊपर लगाना होता है हेडर फाइल। तो हेडर फाइल यहाँ पर हम यूज करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ये टी है, stdio.h। फिर हम यहां पर एक हेडर फाइल और लगाते हैं जिसका नाम है हैश इंक्लूड conio.h। क्या नाम है? conio.h। फिर हमारा होता है मेन फंक्शन, इसके बाद ये फंक्शन का साइन है, फिर यहां कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया जाता है, फिर यहां पर हमें लेने होते हैं वेरिएबल। तो यहां पर मैंने तीन वेरिएबल लिए, a, b, c। फिर हमें स्टेटमेंट देना होता है जो भी हमें प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एफ एंटर टू इंटीजर नंबर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर। और फिर आ गया हमारा स्कैन एफ, और यहाँ पर हमने लिखा परसेंट डी एम परसेंट a, m%b। ठीक है, और फिर हमने लिखा c = a + b सेमीकोलन, और फिर हमने लास्ट में रिजल्ट को यहां पर प्रिंट कर लिया, प्रिंट एफ डबल एंड कोमा, लिखा टोटल इज इक्वल टू % d और c।
और यहाँ पर हमने प्रोग्राम की बॉडी को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, यह है टू नंबर एडिशन करने के लिए प्रोग्राम, मतलब आप कीबोर्ड से कोई भी टू इंटीजर नंबर को एंटर करेंगे और ये प्रोग्राम उनका एडिशन करके टोटल करके आपको दिखा देगा। अब यहाँ पर ये प्रोग्राम तो आपने भी अपने किसी भी सेमेस्टर में, यदि आप आईटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम जरूर पढ़ा होगा, लेकिन प्रोग्राम के अंदर मेन चीजें क्या है, वो कैसे काम करती है, किस लाइन को लिखने से क्या होता है, वो चीज मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए क्लियर करने वाला हूँ। और यदि आप पहली बार सी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इस प्रोग्राम को अगर आप ढंग से सीख लेते हैं तो आगे के आने वाले प्रोग्राम को आप इजिली बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ से अपना पेन का कलर चेंज कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ लिखा हुआ हैस इंक्लूड, इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर, इस लाइन की बात कर रहा हूँ जहाँ मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है, इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका काम होता है हेडर फाइल को प्रोग्राम के लिए अवेलेबल करवाना। अब हेडर फाइल कौन सी, हेडर फाइल यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ मैंने ये सेलेक्ट किया stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, ये हमारी stdio.h हेडर फाइल है। हेडर फाइल का काम क्या होता है, देखिए हेडर फाइल का काम ये होता है कि जब आप इसके अंदर ये जो आपने कोड लिखा है, यानी ये आपने प्रिंट एफ लिखा है, यहाँ पर एक यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन का यूज किया है, ये दोनों फंक्शन को करना क्या है इसके बारे में किसके अंदर लिखा हुआ है, हेडर फाइल के अंदर लिखा हुआ है। मीन्स कि इन फंक्शन को कैसे चलना है, आप इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे वो अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर फंक्शन की डेफिनेशन को किसके अंदर लिख के रखा हुआ है, हेडर फाइल के अंदर लिख के रखा हुआ है कि उस फंक्शन को काम कैसे करना है। तो यहाँ पर जो भी हम सी के अंदर प्री क्रिएटेड फंक्शन का यूज करेंगे उनकी डेफिनेशन किन के अंदर लिखी होती है, हेडर फाइल के अंदर लिखी होती है। जब हम ऊपर हेडर फाइल को इंक्लूड करा देते हैं तो उसके अंदर जो फंक्शन है वो हमारे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो यदि आप अपने प्रोग्राम में प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉटेज हेडर फाइल ऊपर लगाना जरूरी है, तभी ये दोनों फंक्शन काम करेंगे। और इन दोनों फंक्शन का क्या यूज है मैं अभी आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड हेडर फाइल का यूज आपको समझ में आ गया, इनके अंदर फंक्शन की डेफिनेशन लिखी होती है जो नीचे आप यूज कर रहे हैं। अगर आप हेडर फाइल नहीं लगाते हैं तो ये फंक्शन काम नहीं करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल के जरिए भी दिखा दूंगा, ठीक है। ऐसी एक हेडर फाइल और है जिसका नाम है conio.h, यहाँ पर देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, हेडर फाइल का नाम है conio.h, conio.h, और हैस इंक्लूड वही हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसका काम है इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल कराना। तो फ्रेंड ये जो हेडर फाइल है ना conio.h, इसका यूज क्या है कि यदि आप टर्बो C++ सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा किसका, टर्बो C++ का, तो उसके अंदर आपको ये हेडर फाइल लगाना है। क्यों, क्योंकि हम दो ऐसे फंक्शन का यूज करते हैं जिनकी डेफिनेशन इस conio.h में लिखी हुई है। कौन से दो ऐसे फंक्शन है, वो एक फंक्शन तो मैं कहाँ लगाऊंगा, देखिए यहाँ लगाऊंगा इस जगह पर, ये मैं यहाँ से एक एरो लगा के सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको मेन फंक्शन के बाद, और उस फंक्शन का नाम है CLRSCR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, इस स्क्रीन को क्लियर करता है। मैं इसको प्रैक्टिकल के जरिए आपको दिखाऊंगा, अभी बस ये मान लीजिए कि ये जब फंक्शन लगाता हूँ, और एक फंक्शन आप यहाँ पर भी देखे होंगे कई बार प्रोग्राम में इस जगह पर जहां मैं नीचे एरो लगा के लिख रहा हूँ, get ch फंक्शन, ये दोनों फंक्शन यदि आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, और आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के लिए, टर्बो C++, उस केस में आपको ये हेडर फाइल लगाना है, क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर ही इन दोनों फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। यदि आप ये हेडर फाइल नहीं लगाते हैं तो इन दोनों फंक्शन के अंदर एरर आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां से लेकर आपका और यहां तक हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर हमने CLRSCR और getch फंक्शन अगर यूज किया है तो आपको हेडर फाइल लगानी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड मैं आपको एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है देव C++, कौन सा सॉफ्टवेयर है, देव C++ के नाम से यह मिलता है, इसी के अंदर हम सी के प्रोग्राम भी बना सकते हैं, सी लैंग्वेज वाले प्रोग्राम इसके अंदर बन जाते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो आपको ये हेडर फाइल लगाने की जरूरत नहीं है, कौन सी वाली, conio.h हेडर फाइल की। अगर आप ये हेडर फाइल लगा ही नहीं रहे तो फिर आपको दोनों फंक्शन की भी जरूरत नहीं है, कौन सी, CLRSCR और getch फंक्शन की, क्योंकि इन दोनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें उस इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि हम देव C++ का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल के जरिए भी बताने वाला हूँ। इसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन, यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन,
फंक्शन का लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ नहीं है, जो आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है इसे फंक्शन का साइन बोलते हैं, मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन का रोल क्या होता है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लमसम मेन फंक्शन मिल ही जाता है। मेन फंक्शन का रोल होता है हर प्रोग्राम के अंदर, जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करता है प्रोग्राम को कंपाइल करना, जहां से मेन फंक्शन उसको मिल जाता है, इसलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन होता है। अब कंपाइलर क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर मींस कि जो हमारे इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ तो सकते हैं, चलिए आपको भले ही समझ में नहीं आ रहा हो, आप अगर बिगनर हैं पहली बार देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग तो आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इसे पढ़ तो सकते हैं एटलीस्ट, तो ये हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इस प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होने की जरूरत है। जब ये मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तभी तो इस पे काम होगा और हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो कंपाइलर का काम होता है हमारे प्रोग्राम को, हमारी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और जब मशीन की लैंग्वेज में प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है यानी प्रोग्राम रन हो जाता है, और जब हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं उससे जो आउटपुट जनरेट होता है उस आउटपुट को वापस हमारी लैंग्वेज में देना ताकि हम उस आउटपुट को समझ पाए, ये काम किसका होता है, कंपाइलर का। तो कंपाइलर क्या करेगा, जहां मेन फंक्शन मिलेगा वहां से प्रोग्राम को कंपाइल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है फ्रेंड। इसलिए हर प्रोग्राम में हमें क्या लगाना होता है, मेन फंक्शन। इसके बाद ये यहां से हमने प्रोग्राम की बॉडी को स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाकर हमने प्रोग्राम की बॉडी को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। कुछ मैं यहाँ पर रफ करते जाता हूं ताकि थोड़ी जगह बन जाए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है इंट ए बी सी। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है वेरिएबल बनाना, मतलब यहाँ पर वेरिएबल को बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट कि व्हाट इज वेरिएबल। तो हम इस पूरी लाइन को समझते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल के जरिए। अगर हमें लाइन समझ में नहीं आई तो हम सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे, ये बहुत काम की लाइन है। जहां मैंने अंडरलाइन किया हुआ रेड कलर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरिएबल को बनाना। अगर आपको ये लॉजिक क्रिएट नहीं हुआ कि कितने वेरिएबल बनाने चाहिए, कब प्रोग्राम में किस टाइप का वेरिएबल बनाना चाहिए, आप प्रोग्राम नहीं बना पाओगे, केवल रट के रह जाओगे। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि ये लाइन कब कब कैसे कैसे चेंज होगी। देखिए उस लाइन में मैंने क्या लिखा था, वेरिएबल बनाना। तो वेरिएबल क्या होता है, क्वेश्चन इज डेट व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी का एक हिस्सा होता है। आप जैसे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो मेमोरी के अंदर क्या बन जाते हैं, एक लोकेशन बन जाती है जहां पर आपका प्रोग्राम का डेटा स्टोर होगा। वो प्रोग्राम काय का बना हुआ है, टू नंबर एडिशन करने के लिए प्रोग्राम बना हुआ है। तो जब आप कीबोर्ड से कोई भी टू नंबर एंटर करोगे, सपोज आपने टू एंटर करा होगा, थ्री एंटर किया होगा, तो ये जो नंबर है कहीं ना कहीं जाके पहले स्टोर होंगे, तभी तो इन पे कैलकुलेशन अप्लाई होगी, तभी तो टू एंड थ्री एड होकर फाइव में बदलेगा, तो ये कहीं ना कहीं स्टोर तो होंगे। तो डेटा को स्टोर करने के लिए, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम में क्या क्रिएट किए जाते हैं, वेरिएबल बनाए जाते हैं। प्रोग्राम में क्या बनाए जाते हैं, वेरिएबल बनाए जाते हैं। और ये वेरिएबल बनते कहाँ है, मेमोरी के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम भी कहाँ चल रहा है, मेमोरी में, रैम पर चल रहा है। आपने रैंडम एक्सेस मेमोरी आई थिंक पढ़ी हो, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टू टाइप की मेमोरी होती है, आपने ये पढ़ी होगी, रैम एंड रोम। तो जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसी के अंदर हमारा अभी क्या चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। आप जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे डेव सी प्लस प्लस में या टर्बो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बना रहे होंगे, तो प्रोग्राम भी कहाँ चल रहा है, अभी रैम में। और ये मैं आपको अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये भी कहाँ पे चल रहा है, सॉफ्टवेयर रैम में। तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन में एक नया वर्ड और एड होता है कि वेरिएबल एक टेम्परेरी मेमोरी एलोकेशन होता है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी स्टोर होता है। जब तक आपका प्रोग्राम रन करता रहेगा जब तक वेरिएबल बने हुए रहेंगे। जैसे प्रोग्राम आप मतलब क्या करोगे, क्लोज कर दोगे और सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दोगे, तो आपके जो सारे वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब वेरिएबल बनाते कैसे और किस किस टाइप के हम वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया। कंप्यूटर एक मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जो वैल्यू को स्टोर करने के लिए बनती है, हर प्रोग्राम में बनती है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल होता है, ठीक है फ्रेंड। अभी कई टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक
चार टाइप के वेरिएबल बनाना सिखा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के दम पर आप बहुत सारी सी के अंदर प्रोग्रामिंग कर लेंगे। वैसे और भी टाइप होते हैं पर मैं मेन आपको कौन से सिखा रहा हूँ वो फोर टाइप के वेरिएबल बनाना सिखा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा यूज में आए थे। तो सबसे पहले तो वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स क्या होता है? वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स होता है डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया VN, मतलब वेरिएबल का नाम। जो फ्रेंड ये डेटा टाइप होते हैं ना, ये चार तरह के मेन डेटा टाइप होते हैं। वैसे तो ये और भी होते हैं पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा भी यूज में आएंगे वो कौन से, ये चार ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला डेटा टाइप है करेक्टर, CHAR, शॉर्ट में ही लिखना है इसे हमें, करेक्टर के लिए CHAR ही लिखना होता है, ठीक है। दूसरा डेटा टाइप होता है वो होता है इंटीजर, इंटीजर के लिए INT लिखना होता है। और तीसरा होता है हमारा फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। और थर्ड होता है डबल, डबल DOUBLE, डबल। ये चार तरह के डेटा टाइप होते हैं। अब वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स क्या था? इट्स अ सिंटेक्स, ये क्या है यहाँ पर सिंटेक्स, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, ये क्या वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स। और सिंटेक्स क्या, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। और डेटा टाइप में आपको कौन कौन से बताए, करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल, ये चार तरह के डेटा टाइप होते हैं। अब आपको जिस टाइप का वेरिएबल बनाना है उसी टाइप का आपको यहाँ डेटा टाइप देना होता है। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर आप करेक्टर से रिलेटेड काम करने वाले हैं, जैसे नेम वगैरह स्टोर करने वाले हो, हालांकि करेक्टर वेरिएबल लेने से नेम स्टोर नहीं होगा, पर आपको लगता है कि करेक्टर टाइप का वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड है, यानी आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको अल्फाबेट स्टोर करना हो, तब आप करेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, जैसे नेम, नेम। तो नेम कैसा होता है, करेक्टर से मिलकर बना होता है, तो आप उस केस में करेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाते हो। लेकिन ये काम स्ट्रिंग एरे बनाकर होगा जो हम आगे किसी ना किसी चैप्टर में समझेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें क्या समझा कि जब हमें करेक्टर स्टोर कराना हो तब कैसा वेरिएबल बनता है, करेक्टर टाइप का। इसके बाद आता है इंटीजर। जब आपको प्रोग्राम में कोई इंटीजर नंबर पर कैलकुलेशन करनी हो, इंटीजर नंबर पर कैलकुलेशन करनी हो, तो किस टाइप के वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर टाइप के। जैसा कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में देखिए क्या काम हो रहा है कि टू नंबर एडिशन करने के लिए बना हुआ प्रोग्राम है। किसके लिए, टू नंबर एडिशन करने के लिए। यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, टू नंबर एडिशन प्रोग्राम, ठीक है। टू नंबर एडिशन का ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो नंबर कैसा काम हो गया, नंबर। और नंबर भी कैसा, यहां भी लिखा हुआ है टू इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, नाम से पता लग रहा है इंटीजर नंबर। तो इसीलिए हम यहां पर वेरिएबल कैसे बनाएंगे, इंटीजर टाइप के। अगर आपको नंबर टाइप का काम करना हो किसी प्रोग्राम में, नंबर स्टोर कराने हो, इंटीजर नंबर स्टोर कराने हो, तो आपको डेटा टाइप कैसा लेना है, इंटीजर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए और बी, तो ए और बी कैसे हो गए, इंटीजर टाइप के वेरिएबल। हमने इस प्रोग्राम में भी कैसा लिया हुआ है, इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल बनाए हुए, ए बी सी। क्यों बनाए हुए, क्योंकि प्रोग्राम का है नंबर को ऐड करने का। और आपको मैंने अभी समझाया कि यदि आपको नंबर ऐड करना हो या कोई भी, नॉट एडिशन से मतलब नहीं, अगर आपको नंबर से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, कैलकुलेशन इंटीजर्स पर करना हो, तो आपको कैसा डेटा टाइप लेना है, इंटीजर टाइप, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद फ्लोट कब लेना है, जब आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा कैलकुलेशन हो रही है जिसमें डेसिमल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जैसे 3.14, ठीक है फ्रेंड। कोई भी, जब आप कोई ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि पॉइंट वाली वैल्यू आ सकती है, तो वहां पर वेरिएबल कैसे बनते हैं, फ्लोट टाइप के बनते हैं। इसका भी मैं आपको आगे चल के एग्जाम्पल दूंगा, एक प्रोग्राम के जरिए समझाऊंगा कि देखिए फ्लोट कब लेना होता है। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। चार तरीके के आप मेन वेरिएबल बना सकते हैं, करेक्टर टाइप के, इंटीजर टाइप के, फ्लोट टाइप के, डबल टाइप के। करेक्टर जब करेक्टर से रिलेटेड काम करना हो, इंटीजर जब नंबर से रिलेटेड काम करना हो, फ्लोट जब डेसिमल नंबर से रिलेटेड काम करना हो, पॉइंट वाली वैल्यू जिसमें आती हो, ठीक। जब आप कैसा वेरिएबल बनाएंगे, फ्लोट टाइप का बनाएंगे। इसके बाद आता है डबल टाइप का। अब डबल टाइप का वेरिएबल एक कंडीशन पे बनाया जाता है। डबल टाइप का वेरिएबल कब बनाया जाता है, जब आपका डेटा जो है वो बड़ा डाटा है, आप बड़ा डाटा कैलकुलेट करना चाहते हैं। बड़ा डाटा से मतलब क्या है फ्रेंड, इन सब की मेमोरी में एक साइज होती है। जब आप इस टाइप के वेरिएबल बनाते हैं, इन सबको अलग अलग टाइप की साइज मिलती है। जैसे करेक्टर टाइप का वेरिएबल 1 byte की स्पेस रोकता है, कितनी, 1 byte। जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है 2 byte की स्पेस रोकता है। फ्लोट जो होता है वो 4 byte की रोकता है। और डबल जो है 8 byte की स्पेस देता है आपको मेमोरी में।
तो जब आप बड़ी हैवी कैलकुलेशन करेंगे तब कैसा वेरिएबल बनाया जाता है, डबल टाइप का। तो डबल टाइप का वेरिएबल फ्लोट में भी वर्क करता है और इंटीजर में भी वर्क करता है। ये स्पेशली फ्लोट और इंटीजर के लिए ही बनाया जाता है, करेक्टर के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? इंटीजर और फ्लोट के लिए। ठीक है, तो आप ये डबल टाइप का वेरिएबल बना सकते हो। किसके लिए? इंटीजर और फ्लोट के लिए। कब? जब आपको हैवी और बड़ी कैलकुलेशन करनी है, उस केस में क्या होगा कि इंटीजर की जो मेमोरी है ना वेरिएबल की, वो फुल हो जाएगी। ऐसी फ्लोट की भी वेरिएबल की जो है वो मेमोरी फुल हो जाएगी, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे? डबल का, जो कि आपको मेमोरी में ज्यादा बाइट्स की स्पेस देता है। तो चलिए इस फंडे को हम वापस हमारे प्रोग्राम में जाके समझते हैं, जो हमने वेरिएबल बनाना भी सीखा। देखिए हम वापस हमारे प्रोग्राम में आ गए। अब इस लाइन को आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइन में क्या हुआ है, वेरिएबल बनाए गए हैं। अभी इंटीजर टाइप के एबीसी तीन वेरिएबल क्यों बनाए? ये तीन इसलिए बनाए फ्रेंड क्योंकि यहाँ पर टू नंबर एडिशन का प्रोग्राम है। अगर आपको कोई भी ऐसा प्रोग्राम बना रहे जिसमें कैलकुलेशन हो रही हो, तो हमेशा एक खाली वेरिएबल बनता है और ए और बी तो ऑब्वियसली क्या लिखा हुआ है, टू नंबर एडिशन। आप यहाँ पर फोकस करिए टू नंबर एडिशन, यानी आपको कम से कम दो नंबर एंटर कराने पड़ेंगे। तो जो आप दो नंबर एंटर कराओगे वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे, इसलिए यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए गए, ए और बी, और सी क्या है, खाली वेरिएबल है जिसमें डेटा स्टोर होगा। अभी आपको आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप बिगनर हैं तभी ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये सब चीजें आती होगी तो आप बोर हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर आप बिल्कुल स्लो समझा रहे हैं। पर आप बिगनर हैं तो आपको ये प्रोग्राम के जरिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आपको इस तरह से आपके कॉलेज में भी नहीं समझाया गया हो। अगर मैं कह रहा हूँ ये बात सही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ है। इंटीजर में ए बी सी तीन वेरिएबल बनाए हुए हैं, तो इस लाइन को लिखने से जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा ना तो मेमोरी में क्या होंगे, तीन ब्लॉक बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, यहाँ पर तीन वेरिएबल बन जाएंगे। एक का नाम हो जाएगा ए, एक का बी और एक सी। ये हमें दिखाई तो नहीं देंगे क्योंकि कहाँ क्रिएट होंगे, मेमोरी में, बट होंगे जरूर। और इनको एक टाइप मिल जाएगा क्या, इंटीजर, कि आप इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। किस लाइन को लिखने से? ये आई एन टी ए बी सी तीन वेरिएबल बन गए, इस प्रोग्राम के लिए बात कर रहे हैं हम। फिर हम आगे चलते हैं, कंपाइलर यहाँ आएगा, उस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, इस प्रोग्राम को कंपाइल करके इस लाइन पर जैसे ही आएगा तो यहाँ पर उसको एक फंक्शन मिलेगा। फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंटएफ, पी आर आई एन टी एफ, प्रिंटएफ। इस फंक्शन का काम क्या होता है कि ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद, यहाँ पर ये देखिए आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, डबल इन्वर्टेड कोमा में आप जो भी लिखते हैं वो आपको प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद जब प्रोग्राम रन हो जाता है ना, वो यहाँ जो लिखा होता है वो दिखाई देता है। जब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि प्रिंटएफ के अंदर जो लिखा होता है वो आपको रन टाइम पे दिखाई देता है। यानी आप जिस भी चीज का प्रोग्राम बना रहे हैं और यूजर से आप जो भी इनपुट करवाना चाहते हैं वो चीज आपको कहाँ लिखनी होती है? प्रिंटएफ के अंदर लिखनी होती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एंटर टू इंटीजर नंबर। मैंने क्या लिखा हुआ है? एंटर टू इंटीजर नंबर। क्यों? क्योंकि टू नंबर एडिशन का प्रोग्राम है और जब तक आप किसी को टू नंबर एंटर करने के लिए नहीं बोलोगे तो ये प्रोग्राम अपने आप कैसे एंटर भी कर देगा और रिजल्ट भी दे देगा। तो हमें पहले यूजर को क्या बोलना पड़ेगा जो इस प्रोग्राम को चला रहा है, कि भाई क्या कर, दो नंबर को एंटर कर। तो यहाँ पर लिखा एंटर टू इंटीजर नंबर। इसको लिखने से होगा क्या कि जब ये प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो जाएगा तो ये लाइन दिखाई देगी। मान लीजिए कि प्रोग्राम रन हो चुका है और मेरे सामने क्या लाइन आ रही है, एंटर टू इंटीजर नंबर। अब सपोज मैंने पहला नंबर एंटर कर दिया टू, ठीक है, अभी मैंने पहला नंबर क्या एंटर करा है टू, और दूसरा नंबर भी मैंने एंटर कर दिया थ्री। दो नंबर मैंने एंटर कर दिए इस लाइन को पढ़ने के बाद, टू एंड थ्री। पर देखिए जब पहली बार मैंने टू एंटर करा था ना तो वो क्या हुआ होगा, जब मैंने पहली बार टू एंटर किया होगा तो उसके बाद एक नेक्स्ट फंक्शन है जिसका नाम है स्कैनएफ, एस सी ए एन, ये एन है, एस सी एन एफ, स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन की हेल्प से होता क्या है कि डेटा कहाँ जाता है, वेरिएबल तक जाता है। डेटा क्या है हमारे पास, टू एंड थ्री, तो ये कैसे जाता है? अगर आपने प्रोग्राम में इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए हुए हैं, तो हमने कैसे बनाए हुए हैं, इंटीजर टाइप के, तो यहाँ पर क्या आता है, परसेंट डी आता है। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये तय करते हैं, ये बताते हैं कि जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का बना है। तो परसेंट डी हमने क्या लगाया, एक परसेंट डी ये लगाया हुआ है और एक परसेंट डी ये लगा हुआ है। तो पहला परसेंट डी क्या बोलेगा कि भाई जो नंबर अभी यूजर ने एंटर करा है वो कैसा इंटीजर टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का नंबर है, इससे तय हो जाएगा। और स्कैनएफ फंक्शन की हेल्प से आगे चल रहे हैं हम, यहाँ स्कैनएफ का पूरा सिंटेक्स है, कंप्लीट सिंटेक्स है ये। इसके बाद लिखा हुआ है एम परसेंट ए, ये एंड का साइन है, क्या ये एंड का साइन, ठीक है, एम परसेंट। इसको क्या बोलते हैं, पढ़ते कैसे हैं इसको, एम परसेंट, प्रोग्रामिंग में इसको कैसे पढ़ेंगे, एम परसेंट, ठीक है। होता क्या है एक्चुअल में, ये एंड का साइन।
थोड़ा सा मेरे को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने इस तरह से बना हुआ है, लेकिन ये एंड का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम परसेंट ए, तो इस लाइन, इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या हो, लाइन का नहीं, इस जो यहाँ जरा सा मैं ये अंडरलाइन करके आपको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एम परसेंट का। हम एम परसेंट का मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ, तो किसका एड्रेस, ए का एड्रेस। बहुत ध्यान देने वाली बात है, बस आपने एक बार अगर कंसेप्ट समझ लिया तो आप कोई भी प्रोग्राम बना लेंगे। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या तय हुआ है, यहाँ पर चाहे मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर तय हुआ है कि वो वैल्यू कैसी इंटीजर टाइप की है, और यहाँ पर बोला गया है कि वो जो इंटीजर टाइप की वैल्यू, पहली वैल्यू जो एंटर की गई यूजर के द्वारा, उसे ए के एड्रेस पर भेज दी जाए, एम परसेंट ए। और मैं इस एम परसेंट साइन का मतलब आपको क्या बता रहा हूँ, एड्रेस ऑफ, तो एड्रेस ऑफ किसका, जो जिसके आगे ये लिखा हुआ है, तो ए के एड्रेस पर भेजी जाए। तो जो आपने टू एंटर करा है ना फ्रेंड, ये टू किस में चला जाएगा, ए के अंदर चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हमने तो दो वैल्यू एंटर करी थी, तो प्रोग्राम में आप जितनी वैल्यू एंटर करवा रहे हैं ना, उतनी बार क्या आता है, परसेंट डी आता है। कई प्रोग्राम में आप एक बार देखेंगे, कई में दो बार, कई में तीन बार, तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर चलता है। ये कोई फिक्स सिंटेक्स नहीं है, इस स्कैनफ का फिक्स सिंटेक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आप जैसा भी प्रोग्राम बनाएंगे उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंट डी दूसरा वाला किसके लिए आया है, जो हमने दूसरा नंबर जो यहाँ पर थ्री एंटर करा है, तो थ्री भी क्या इंटीजर टाइप का, इसलिए क्या आया परसेंट डी। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंट डी। तो यहाँ पर परसेंट डी हमने थ्री के लिए यूज करा हुआ है, फिर हमने डबल इन कोमा यहाँ पर बंद किया हुआ है, डबल इन कोमा यहाँ बंद है, फिर एक कोमा और यहाँ लगा के किस में भेज दिया हमने, बी के अंदर, कि जो दूसरी वैल्यू है वो किस में चली जाए, बी के एड्रेस पे चली जाए। तो थ्री किस में आ जाएगा, देखिए हमने यहाँ मेमोरी बना ली कि इसके अंदर आ जाएगा, थ्री किस में आ गया, बी में आ गया, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक ये हमारा स्कैनएफ का सिंटेक्स कंप्लीट हुआ, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये जहाँ पर मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ, इस लाइन पे फोकस करना है और ध्यान देना है। यहाँ लिखा हुआ सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए में स्टोर वैल्यू और बी में स्टोर वैल्यू वो आपस में ऐड हो जाए। तो ऐड कौन करेगा, ये प्लस ऑपरेटर, एक्चुअल में ऑपरेटर है, आगे चल के मैं आपको जब ऑपरेटर वाला चैप्टर बताऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि इसका काम क्या है। वैसे आपको दिख ही रहा है, आप सब जानते हैं प्लस का काम क्या है, प्लस का काम है ऐड करना। तो देखिए बहुत ही सिंपल फंडा है कि ए में और जो बी में वैल्यू है वो आपस में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। यहाँ पर मैं ऐड का साइन बना रहा हूँ, ए और बी क्या हो जाए, ऐड हो जाए, और किस में आ जाए, सी में। तो यहाँ पर फ्रेंड समझिएगा, प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्रोग्रामिंग या आगे की सी, सी प्लस प्लस, जावा में, या अगर ये ऐसे लिखा हुआ है ना सी इक्वल टू थ्री, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी थ्री के इक्वल है, ये इक्वलिटी शो नहीं करता। इसका मतलब है कि यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है वो किसके अंदर स्टोर है, इस वेरिएबल के अंदर। ये क्या है वेरिएबल, तो सी के अंदर क्या स्टोर है, थ्री, सी की वैल्यू क्या है, थ्री, ऐसे हो जाएगा। अगर सी ए इक्वल टू, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है ए बी के इक्वल है, ये तो चलता था, मैथ्स का रूल है। यहाँ पर रूल क्या है कि ए की वैल्यू क्या बन गई, बी, ए में क्या स्टोर है, बी, जो बाद में लिखा हुआ है वो उसके अंदर स्टोर होता है जो पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, वही तो बात बन रही जो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था कि ए और बी की वैल्यू ऐड होकर किस में आ जाएगी, सी में। इक्वल साइन क्या करता है, जो आगे लिखा हुआ है वो स्टोर करवा देता है। तो सी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइव, ठीक है, सी में फाइव हो गया। फिर वापस प्रिंट एफ अपना काम करेगा, प्रिंट एफ का काम क्या होता है, यूजर को मैसेज डिस्प्ले कराना। तो हमारे सामने लिखा हुआ जाएगा टोटल इज इक्वल, यहां तक लिखा हुआ टोटल इज इक्वल। अब सी में जो वैल्यू गई है वो भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और सी से हमें क्या प्रिंट करवाना है, रिजल्ट। तो रिजल्ट प्रिंट कराते समय भी, रिजल्ट प्रिंट कराते समय भी हमें क्या लगाना पड़ता है, परसेंट डी। तो परसेंट डी हमने लगाया, डबल इन कोमा बंद करा, बाहर एक सिंगल कोमा लगाया, इनवर्टेड सिंगल कोमा लगाया नीचे, और हमने सी को जो हमारा वेरिएबल है जिसमें भी आउटपुट था, आप जो भी यहाँ खाली वेरिएबल लें कैलकुलेशन के लिए वो आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है जिसमें भी आपने रिजल्ट स्टोर किया है। तो हमने सी में रिजल्ट स्टोर किया था, सी हमने यहाँ प्रिंट करा लिया। तो हमारे सामने क्या लिखा हो जाएगा, टोटल इज फाइव, और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये कैसा था, टू नंबर एडिशन का प्रोग्राम था, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इसमें किसका क्या रोल है। अब चलिए मैं आपको इस प्रोग्राम को एक बार सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा देता हूं कि किस तरह से ये कंपाइल एंड रन होता है। फ्रेंड मैं यहां पर सॉफ्टवेयर टर्बो सी प्लस प्लस यूज नहीं कर रहा। यदि आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो बस आपको क्या ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था एक हेडर फाइल है कोनियो डॉट एच, उसे लगाना है, ठीक है। इंटीजर के बाद ये यहाँ पर आप ये लगा लें सी एल आर एस सी आर फंक्शन लगा लें, उसके बाद यहाँ पर नीचे गेट सी एस फंक्शन लगा लें,
ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको भी दिखा चुका हूँ। पर मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, डेव सी प्लस प्लस, आप भी इसे यूज करिए, बहुत अच्छा आईडी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें मैंने वही प्रोग्राम जो आपको समझाया था वो टाइप करके ऑलरेडी रखा हुआ है। अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट में जाना है, ध्यान दीजिएगा, और कंपाइल एंड रन पर क्लिक कर देना है। ये आपसे सेव करने के लिए बोलेगा, एक बार आप सेव कर देना कोई भी नाम देकर। और देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, एक बार कंपाइल हो जाए और ये रन हो चुका है। कंपाइल होने के बाद रन हो गया। अगर आप यहाँ पर कोई भी सिंटेक्स को गलत लिखते हैं तो क्या आएगी, एरर आएगी। आपको पहले प्रॉपर सिंटेक्स को सही करना होगा, उसके बाद ही कंपाइल होकर रन होगा, अदरवाइज ये कंपाइल नहीं होगा। तो अभी क्या हो चुका है, रन हो चुका है, और हमसे क्या बोल रहा है, एंटर टू इंटीजर नंबर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर फिर से समझिए, फिर से ध्यान दीजिए एक बार और, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कंपेयर करके, कि जो लाइन आप प्रिंट एफ में लिखते हैं वो एज इट एज रन टाइम पर डिस्प्ले होती है। तो रन टाइम कौन सा, जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, यानी प्रिंट एफ में लिखा गया जो भी लाइन होती है, जो भी स्टेटमेंट, जो भी टेक्स्ट होता है, वो कहाँ दिखाई देता है, रन टाइम पर, ताकि यूजर को एक मैसेज मिल सके कि करना क्या है। अगर ये लाइन ही नहीं आती तो आपको क्या पता लगता करना क्या है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, दो नंबर एंटर करने। सपोज मैंने पहला नंबर 5 एंटर कर दिया, ये कर दिया, तो जो 5 है ना फ्रेंड, वो 5 किस में चला गया है, देखिए स्कैनएफ की वजह से वो किस में चला गया है, ए के अंदर। वो भी मैंने समझाया था, मैंने उस केस में वहां पर 2 एंड 3 एंटर करा था, तो 2 की जगह इस बार मैंने क्या एंटर करा है, 5। तो ए की वैल्यू क्या हो गई है, 5। एक नंबर और मैं ऐसे बोल रहा है एंटर करने के लिए, मैंने 6 एंटर कर दिया, वो किस में चला जाएगा, बी में। ये हमें दिखेगा नहीं जाता हुआ, ये सब इंटरनली चल रहा है, हमें तो डायरेक्ट आउटपुट दिखेगा, और वो भी इतना फास्ट होगा, नैनो सेकंड में रिजल्ट आएगा हमारे पास। देखो समझने में कितना टाइम लगा था कि प्रोग्राम कैसे 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 काम कर रहा है अंदर, लेकिन आउटपुट कितना फास्ट आएगा। बस मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो कौन सा टास्क चला, सी इक्वल टू ए प्लस बी हुआ होगा मेमोरी में। ठीक है, ए प्लस बी होने के बाद जो लाइन प्रिंट एफ में लिखी होती है, प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है, टोटल इज इक्वल, उसके बाद परसेंट डी करके हमने बोला सी में जो वैल्यू, वो भी इंटीजर टाइप की, उसे प्रिंट कर दो। और सी में क्या था, 11। अब सी में 11 कहां से हुआ, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को ऐड करके किस में स्टोर कर दिया, सी में। तो सी की वैल्यू क्या होगा, 11। इस तरह से फ्रेंड पूरा प्रोग्राम काम करता है। यदि आप एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं तो कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, नहीं तो आप रट रट के थक जाएंगे। इतने प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं सी के अंदर कि आप भी शायद सोच नहीं सकते। अगर आपने रटा तो आप केवल वही प्रोग्राम बना सकते हैं जो आपने रटे हुए हैं। आपको जब भी एक नया टास्क दिया जाएगा आपसे वो नहीं होगा। और आई थिंक आपके कॉलेज में आपके साथ ऐसा होता होगा। मैं भी कई बार ऑफलाइन जब मेरे इंस्टीट्यूट पर मैं अपने बीटेक के स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ तो यही होता है। मैं उनको जो प्रोग्राम देता हूँ वो जो मैं समझा चुका हूँ वो तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन जब भी मैं उनको एक नया टास्क देता हूँ तो वो बना नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते कि किस लाइन में, किस लाइन को लिखने से क्या होता है। बस आपको एक बार ये बात समझ में आ जाए कि कब कौन सी चीज लेनी है तो आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, माइनस करना हो, इनटू करना हो, डिवाइड करना हो, तो आपको सिंबल कहाँ चेंज करना है, जहां पर ए प्लस डी लिखा है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये सारे टास्क कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक प्रोग्राम और समझा देता हूँ। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना किस लाइन को मैंने कैसे समझाया था, आप अपने नोट्स खुद बना लेना एक बार। ठीक है फ्रेंड, अब मान लीजिए कि आपको एक प्रोग्राम में यहां पर दे रहा हूं, आप भी सोचिएगा कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है स्क्वायर निकालने का। मतलब आप कोई भी कीबोर्ड से एक नंबर एंटर करें और जो आपका प्रोग्राम है वो उसको स्क्वायर करके दिखा दे। अब देखो ध्यान क्या देना है, रटना नहीं है, ध्यान क्या देना है, मैं आपसे क्या करवाना चाह रहा हूं कि आप कीबोर्ड से कोई भी एक नंबर एंटर करो, प्रोग्राम उसका क्या करके दिखा दे, आपको स्क्वायर करके दिखा दे, कोई भी एक नंबर। आपको क्या पकड़ना है कि भैया बंदा करवाना क्या चाहता है, जो आपको प्रोग्राम का टास्क दे रहा है वो आपसे क्या करवाना चाहता है, आपको उसकी बात में से ही निकालना पड़ेगा पूरा प्रोग्राम। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी कीबोर्ड से एक नंबर एंटर करना है और प्रोग्राम उसका क्या करके दिखा दे आपको, स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करेगा, स्क्वायर का फंडा आपको मालूम होगा, आई थिंक आपको इतनी मैथ्स तो आती होगी कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मीन्स आप समझते होंगे, मान लो आपको 2 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 2 इंटू 2 यानी 4, इसे स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो ये टास्क है हमारी कि कोई भी एक नंबर एंटर करें, प्रोग्राम उसका स्क्वायर करके हमें दिखा दें। ठीक, तो देखो सबसे पहले हेडर फाइल तो लगाना है, वो सब काम तो हमें करना होगा हर प्रोग्राम में।
तो मैं यहाँ पर वो हेडर फाइल नहीं लगा रहा, कौन सी हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, मैं हैश लगा के छोड़ देता हूँ। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन वो तो आएगा ही आएगा हर प्रोग्राम के लिए, क्योंकि कंपाइलर इसकी वजह से ये प्रोग्राम को कंपाइल कर पाएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट, अब हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से चालू होता है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, कोई भी एक नंबर एंटर करें तो कम से कम दो वेरिएबल बनेंगे, एक तो रिजल्ट स्टोर कराने के लिए और एक यूजर से इनपुट लेने के लिए। और कैसा, कोई भी एक नंबर, नंबर कैसा, इंटीजर टाइप का, स्क्वायर किसका निकालना, इंटीजर टाइप के नंबर का। तो यहाँ पर वेरिएबल किस टाइप का बनेंगे, इंटीजर टाइप के, int। एक मैंने num नाम का वेरिएबल बना लिया और एक मैंने ऐसे ही d नाम का वेरिएबल बना लिया। यहाँ पर वेरिएबल किसी भी नाम से बनाए जा सकते हैं, कोई नहीं है ऐसा कि हम इसी नाम, किसी भी नाम से बनाए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन वेरिएबल बनाने की कुछ रूल हैं जिन्हें मैं जस्ट अभी क्लियर कर दूंगा आपको, वेरिएबल बनाने के क्या रूल है। चलिए वेरिएबल बनाने के क्या रूल है चलो देख ही लेते हैं हम, हो सकता है आप गलती कर बैठो। ठीक है फ्रेंड, वेरिएबल बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कभी भी नंबर टाइप का वेरिएबल नहीं बनाना। जैसे आपने इंटीजर में टू नाम का एक वेरिएबल बनाने की सोची तो ये नहीं बनेगा, समझे, ये नहीं बनेगा, नंबर सपोर्ट नहीं करता है। अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए आपका वेरिएबल। अगर आप कुछ ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपने इंटीजर में एक 2a नाम का वेरिएबल बनाने की सोची, ये भी नहीं बनेगा। हमेशा स्टार्ट किससे होना चाहिए, अल्फाबेट से। अगर आप ऐसे बनाते, देखिए मैं बताता हूँ, a1 तो सपोर्ट कर जाएगा, a1 चलेगा, a2, a3 बाद में नंबर होगा तो चलेगा, इस नाम से आप वेरिएबल बना सकते हैं। आप कभी भी ऐसा वेरिएबल नहीं बना सकते जैसे आपने बना लिया ए स्पेस बी नाम से एक वेरिएबल, मतलब इंटीजर में दो वेरिएबल नहीं, आपने कॉमन लगाइए, एक ही वेरिएबल आप ट्रीट कर रहे हैं। अगर फ्रेंड आपको स्पेस दिखाना ही है ना यहाँ पर, तो आपको अंडर स्कोर साइन का यूज करना पड़ता है। अगर आप अंडर स्कोर नहीं करोगे तो ये वेरिएबल नहीं बनेगा और एरर आएगी। और एक आपको इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी, सी में 32 टाइप के कीवर्ड होते हैं जिन्हें मैं आगे चल के बताऊंगा, और उनमें से चार भी हैं, कौन से, जो हमने अभी पढ़े थे, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, डबल, ये पढ़े थे फ्लोट डबल। तो ये चारों टाइप के जो डेटा टाइप है ना, इनके नाम से भी कभी भी आपको वेरिएबल नहीं बनाना। अब देखो ध्यान दीजिएगा, इनके नाम से का मतलब क्या है, इनके नाम से का मतलब है आपने इंटीजर में फ्लोट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, फ्लोट ही रख लिया उसका नाम, तो ये क्या होगा, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि कीवर्ड के नाम से जो डेटा टाइप है ना, उनके नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। आप इनके अलावा, जरूरी है कि आपको यही नाम रखना, इनके अलावा आप कोई भी नाम ले लो ना, बहुत सारे नाम होते हैं, तो वेरिएबल का आप कोई भी नाम रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये रूल याद रखने जो मैंने यहाँ लिखे और जो बोले हैं अभी, ठीक है। आपको कभी भी उन्हीं नाम से वेरिएबल नहीं बनाने जो डेटा टाइप एज ए रिजर्व्ड है, कीवर्ड एज ए रिजर्व्ड है, ठीक है। स्पेस नहीं देना है, नंबर से स्टार्ट नहीं करना है और नंबर का ही वेरिएबल नहीं बनाना है, ठीक। ये बस ये रूल है वेरिएबल बनाने की, जिन्हें ध्यान रखना है, उसके बाद आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। चलिए इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा आई थिंक आप सबको ये। बस वीडियो पूरा देखते रहिए, आपकी जो आज सी के अंदर कमियां थी ना वो सारी दूर हो जाएंगी, आप कोई भी प्रोग्राम बना पाओगे इसके बाद, अगर आपने एक बार कंसेप्ट को ढंग से समझ लिया तो। रटने की जरूरत नहीं है, समझना है, प्रोग्रामिंग रटी नहीं जा सकती, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्रोग्रामिंग रटी नहीं जा सकती। रट कर सिर्फ आप अपना सेमेस्टर क्लियर कर सकते हो, प्रोग्रामर नहीं बन सकते, ओके। तो यहाँ पर हमें समझना है, तो हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल बना लिए, और प्रोग्राम हम काय का बना रहे, प्रोग्राम हम बना रहे इसे कहते हैं कमेंट। देखिए कमेंट का भी एक रोल होता है, मैं आपको बताऊंगा ऊपर, जो भी आप डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम का नाम, ये प्रोग्राम बना रहे हम स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, CLC शॉर्ट में लिख देता हूँ, कैलकुलेट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है, शॉर्ट में मैंने ऊपर लिख दिया। इसका हम प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई भी नंबर एंटर करें उसका स्क्वायर निकाल दें। और यहां पर हमने इंटीजर में दो वेरिएबल ले लिए, एक नम ले लिया, एक बी ले लिया। अब हमने क्या करना है, यूजर को मैसेज देना है, इंपॉर्टेंट काम है, यूजर को मैसेज देना है कि भाई तेरे को एक नंबर एंटर करना है जिसका तुझे स्क्वायर निकालना है। तो यूजर को मैसेज कैसे दिया जाता है, यू नो वेरी वेल, अभी हमने सीखा, प्रिंट एफ के जरिए, printf, प्रिंट एफ के जरिए। और प्रिंट एफ का सिंटेक्स क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो लिख दो जो आपको प्रोग्राम में यूजर से इनपुट चाहिए। तो क्या चाहिए, एंटर एनी नंबर, आप और अच्छा लिख सकते हो यहां पर बहुत जमा के, क्या कि प्लीज एंटर एनी नंबर फोर स्क्वायर, वो आप लिख लिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
अब करना क्या है हमें, हम यहाँ पर स्कैनएफ सिंटेक्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट मैसेज तो हमने यूजर को दे ही दिया स्कैनएफ, ठीक। और स्कैनएफ में हमें पहले लगाना है परसेंट डी, और एक ही बार आएगा रीजन, क्योंकि एक ही तो नंबर एंटर करवा रहे हैं, दो का स्क्वायर थोड़ी होता है एक, कोई भी एक नंबर का स्क्वायर जो भी नंबर एंटर करें, तो इसलिए एक बार क्या आ गया परसेंट डी। फिर यहां पर हमने लिखा एम परसेंट, और किस में भेज देना है उसे इस बार, नम नाम के वेरिएबल में। तो नम क्या है, एक वेरिएबल। जब हमने ये लाइन लिखी होगी तो मेमोरी में ऑटोमेटिक दो वेरिएबल बन गए होंगे, एक का नाम होगा नम और एक का नाम है बी, और ये दोनों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, ठीक। तो ये लाइन हमने लिख दी। अब हमें मालूम है कि स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। तो स्क्वायर का फंडा क्या होता है कि जो नंबर हमने रिसीव करा है जिस वेरिएबल में, उसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दें वापस किससे, उसी से। अब टू का स्क्वायर मान लो आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, टू को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया ना स्क्वायर। फोर का स्क्वायर निकालना है तो फोर को फोर से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर का फंडा क्या होता है, यही होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर हमारे जब इस प्रोग्राम को हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो कीबोर्ड पर स्क्वायर का बटन तो नहीं होता है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये लॉजिक लगा सकते हैं कि बी जो खाली वेरिएबल है उसके अंदर जो नम में वैल्यू जाए वो उसी से मल्टीप्लाई होकर बी में स्टोर हो जाए, और बी को हम प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और यहां लिख देते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट डी, वापस वैल्यू लाने के लिए, और किस में रिजल्ट है हमारा, बी में। ये बन गया हमारा प्रोग्राम। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। रन कैसे करते हैं, यही कर लेते हैं रन, सॉफ्टवेयर में जाके तो करेंगे लेकिन एक बार यहाँ भी कर सकते हैं। तो रन कैसे होगा, ये पहले कंपाइल होगा, कंपाइलर ने कंपाइल किया और मेमोरी में दो वेरिएबल बना दिए। इसके बाद हमारे सामने लाइन लिखी आ गई एंटर एनी नंबर, और इस लाइन को पढ़ के मैंने क्या एंटर कर दिया कीबोर्ड से टू, और ये टू स्कैनएफ में कहाँ भेज दिया, नम वाले एम परसेंट नम, मतलब नम में इस वैल्यू को भेज दो, इसके एड्रेस पर इसे भेज दो। तो टू किस में आ गया, नम में। यहां पर आते हैं इस लाइन पे जहां मैं नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां बोल रहे हैं कि नम में जो वैल्यू स्टोर है वो वापस उसी से मल्टीप्लाई हो जाए, तो टू टू से मल्टीप्लाई हो जाए यानी फोर हो गया, और फोर किस में आ जाए, बी में। ये कहां लिखा हुआ है, आ जाए ये इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है, जो भी सामने हो रहा है वो कंप्लीट होकर किस में आ जाए, जिस वेरिएबल के सामने हो रहा है। तो बी के सामने हो रहा है ना, तो बी में क्या आ जाएगा, फोर। बी में क्या आ गया, फोर। किसकी वजह से, इस इक्वल की वजह से, मल्टीप्लाई का साइन है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है ये। तो यहां पर मल्टीप्लाई हुआ और किस में आ गया, बी में। बाकी प्रिंट एफ ने अपना काम किया, हमारे सामने लिखा है रिजल्ट इज, या आप लिख सकते हो स्क्वायर इज, मैसेज कुछ भी हो सकता है, जो चाहे आप प्रिंट कर सकते हो स्क्वायर इज, और बी में क्या है हमारे पास, रिजल्ट फोर, हमारे सामने क्या जाएगा, फोर। तो चलिए जो प्रोग्राम को हमने अभी यहाँ लिखा है इसको एक बार हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो देखिए फ्रेंड, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है, तो यहां पर मैं एग्जीक्यूट में जाकर इसे कंपाइल एंड रन कर देता हूं। देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो चुका है। तो नोटिस करिए जहां पर हमने लिखा हुआ था एंटर एनी नंबर, वो ऐसे के ऐसे ही हमारे सामने आ चुका है रन टाइम पर। तो एंटर एनी नंबर वाली लाइन को पढ़ के इस बार मैंने क्या एंटर कर दिया कीबोर्ड से, फोर। जैसे ही फोर टाइप किया अभी, तो अब मैं एंटर बटन दबा रहा हूं अपने कीबोर्ड से, जैसे एंटर किया तो वो सारा तमाम काम अंदर चला जो भी मैंने आपको समझाया था। फोर किस में गया होगा, नम में, नम नम से मल्टीप्लाई होकर बी में आया, बी को प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे लिखा स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज 16, थोड़ा अच्छे से मैंने प्रिंट कर रखा है इस बार, स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज, ठीक है। और जो भी यहाँ 16 था वो किस में आ गया था, बी में, और प्रिंट हो गया। और वहां पर मैंने क्या लिखा हुआ था, रिजल्ट इज। तो जो आप, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि जो यहाँ हम लिखते हैं वो ऐसे के ऐसे ही हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा किसका प्रोग्राम था, स्क्वायर कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको एक टास्क देता हूँ, छोटा सा टास्क है बस, कि आपको क्यूब प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है। किसका, क्यूब का। ये हमने किसका बनाया था, स्क्वायर का, और अब आपको किसका बनाना है, क्यूब का। और आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है कि यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है शुरू से अभी तक, तो आप स्क्वायर का प्रोग्राम बना लेंगे। और यदि आपसे स्क्वायर का प्रोग्राम नहीं बना और आपने ध्यान से देखा, तो समझ लो कि आपको फिर से इस वीडियो को देखने की जरूरत है, अन्यथा छोड़ दो इस वीडियो को यहीं पर, आपसे प्रोग्रामिंग नहीं होगी अगर आप क्यूब का प्रोग्राम नहीं बना सकते। हाँ, वो नहीं बना पाएंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्यूब का प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे जिनको पहले यही नहीं मालूम कि क्यूब क्या होता है, समझ रहे मेरी बात को।
उनकी गलती नहीं है, उनको यही नहीं मालूम कि क्यूब क्या होता है। जिसको मालूम है क्यूब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मुझे बता सकते हैं प्रोग्राम बनाकर। कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर आप क्यूब का प्रोग्राम बना लो तो। ठीक है, तो आई थिंक बना लेंगे, सभी बना लेंगे मुझे ऐसा लगता है। इसे क्लोज कर देते हैं। चलिए मैं आपको एक बार एक लास्ट प्रोग्राम और समझा देता हूँ जिसके अंदर मैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाकर आपको दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए हम एक प्रोग्राम और बनाकर देख रहे हैं। इसके अंदर हम एरिया ऑफ सर्कल का एक प्रोग्राम है। आई थिंक आप समझते हो कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी है तो भी आप छोटे छोटे फॉर्मूले 10th तक आपने पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मैथ्स आना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड इस फॉर्मूले को हम हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। पहले तो ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। ये कैसा है, मैथ्स के तरीके से हम इसे हमारे प्रोग्राम के तरीके कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमें खाली वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इसके आगे, तो हम एक वेरिएबल का नाम सी आई आर ही रख लेते हैं, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का, तो सी आई आर इसका नाम रख लेते हैं। तो हमने लिया सी आई आर, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, सी आई आर इक्वल टू पाई की जगह एक वैल्यू बन सकती है इसका नाम है 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, फिर इंटू का साइन, फिर आर इंटू आर, क्योंकि स्क्वायर कैसे करते हैं अभी हमने सीखा, उसी वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ स्क्वायर ही तो हो रहा है, आर इंटू आर। तो हमारा जो मैथ्स का फॉर्मूला था ना यहाँ पर, वो हमने हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए ऐसे लिख लिया कि इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं अब क्या प्रोग्राम बनाऊंगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। ठीक है, रफ कर दूं इसे। हाँ देखिए फ्रेंड, फटाफट करते हैं। अब हेडर फाइल आप लगा ही लेंगे, इसके बाद आता है मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद बॉडी स्टार्ट करनी होती है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में आपको चीज याद है वो आर क्या था, अभी मैंने आर लिखा है फॉर्मूले में, वो था रेडियस वैल्यू। किसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू के लिए आर हम वेरिएबल बनाने वाले हैं, वो रेडियस की बात हो रही है वहां पर। वो रेडियस हिंदी में अगर बात करें तो होती है त्रिज्या, और इसकी वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉइंट वाली, यानी डेसिमल वैल्यू होती है। तो जिस भी प्रोग्राम में मैंने आपको समझाया था कि डेसिमल वाला अगर आपको काम करना है तो आपको वेरिएबल कैसे बनाने होते हैं फ्लोट में, आपको याद है वाली क्लास जिसमें मैंने आपको समझाया हुआ है। आई थिंक मैंने रिमूव कर दिया वो सब, नहीं नहीं किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसा बनाना होता है वेरिएबल फ्लोट टाइप का, और इस बार काम कैसा हो रहा है हमारा फ्लोट वाला। ठीक है, इसलिए कैसा बनाएंगे हम, फ्लोट वाला। ठीक, तो चलिए फटाफट से हम वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट में, फ्लोट। अब फ्लोट में कितने वेरिएबल बनाएंगे वो फॉर्मूला मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला है वो, एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है वो, और प्रोग्राम भी हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए बना रहे हैं। फॉर्मूला था हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और उसको हमने कन्वर्ट कैसे कर लिया था, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3.14 इंटू आर इंटू आर। ठीक है, ऐसे लिख लिया था। तो फ्लोट में हमें कितने वेरिएबल की जरूरत है, फ्लोट में हमें तो पहले एक इस वैल्यू को स्टोर करने की जरूरत है और एक इस वैल्यू को लेने की जरूरत है। ठीक, तो एक नई चीज हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नई चीज है कि यदि आप किसी वेरिएबल में वैल्यू को पहले से फिक्स करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है। कैसे, देखिए मैं कर रहा हूं, जैसे हमने क्या करा, एक पाई नाम का वेरिएबल बना लिया, पी आई इक्वल टू 3.14, एक पाई नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें पहले से 3.14 डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि हमें मालूम है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, जो पूरे कैलकुलेशन में नहीं बदलेगी। जो वैल्यू बदलेगी वो क्या होगी, ओनली फॉर आर की वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू तो 3.14 ही रहेगी। ऐसा लिखने का मतलब क्या हो गया, आपको ऐसा कब लिखना है, जब आपको मालूम है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू बार बार नहीं बदलेगी और वो पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगी, तो आप ऐसे फिक्स भी कर सकते हैं। तो एक पीआई नाम का वेरिएबल बना लिया और 3.14 हमने पहले ही स्टोर कर लिया। हमें रन टाइम पे लेने की जरूरत नहीं, यूजर से, यूजर से तो कब लेते हैं, जब बार बार प्रोग्राम में आउटपुट नया नया चाहिए, नई नई कैलकुलेशन करवानी हो, और पाई की वैल्यू तो फिक्स ही है, इसलिए 3.14 हमने यहाँ पर ले लिया।
अब हम नई वैल्यू लेंगे यूजर से, कौन किसकी वैल्यू लेंगे, आर की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू यानी त्रिज्या। तो उसके लिए हमने फिर से यहाँ पर लिखा फ्लोट और आर, ठीक है, और एक खाली वेरिएबल भी बना लेते हैं, खाली वेरिएबल हम CIR नाम से बना लेते हैं, जिसमें हम हमारा रिजल्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, बाकी आगे का काम बहुत इजी है, वो क्या, प्रिंट है और यूजर से इनपुट लेते हैं। मेन काम है यूजर से इनपुट लेना, इस पूरे प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। और यूजर से किस चीज का इनपुट लेना है, मान लो इस फॉर्मूले को यदि आपको कॉपी पर भी पेन से सॉल्व करना होता है मैथ्स का, तो आपको ओनली फॉर आर की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। आपको पाई की वैल्यू तो मालूम होती है, आर की वैल्यू आप देखते कि भाई क्या दी हुई है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आप पुट करते हैं। तो यहाँ आर की वैल्यू हमें किससे लेनी है, यूजर से। तो यूजर से लेनी है तो हम क्या लिख देंगे, एंटर रेडियस, आर को यहां पर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेडियस, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है, एंटर रेडियस वैल्यू। ठीक है, हमने रेडियस की वैल्यू यूजर के लिए यहाँ पर मैसेज देके प्रिंट करवा लिया कि इस लाइन को पढ़ के यूजर वैल्यू को एंटर कर पाए, एंटर रेडियस वैल्यू। इसके बाद हमने लगाया स्कैनर, क्योंकि तो इसकी हेल्प से ही वैल्यू अंदर जाएगी। और इस बार यहाँ पर फ्रेंड परसेंट डी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा परसेंट डी, क्योंकि वो तो इंटीजर के लिए आता है, फ्लोट के लिए यहाँ पर आएगा परसेंट एफ। क्या आएगा, परसेंट एफ। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपने फ्लोट टाइप की वेरिएबल बनाए ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, परसेंट एफ, बस यही ध्यान रखना है, परसेंट एफ आएगा यहाँ पर। ठीक है, और परसेंट एफ केवल एक बार ही आएगा, क्यों, क्योंकि केवल एक ही इनपुट लिया है रेडियस का, एक बार। अगर आपने दो बार इनपुट लिया हो तो दो बार आ जाता, तीन बार लिया हो तो तीन बार परसेंट एफ आ जाता, तो एक ही इनपुट है इसलिए एक बार परसेंट एफ आ रहा है। फिर हमने यहाँ लिखा है एम परसेंट, एम परसेंट और किसके अंदर, आर के अंदर वो वैल्यू चली जाए। एम परसेंट एंड का साइन है ये, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एंड का साइन मैं ऐसे ही बनाता हूँ, एम परसेंट आर, यानी वो वैल्यू किस में चली जाए, आर में चली जाए। ठीक, अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, पाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, फॉर्मूला हमें पता ही चल गया ये रहा, तो बस ऐसे कैसे लिखना है हमें, क्या लिखना है, सी आई आर जो हमारा खाली वेरिएबल है इक्वल टू। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें सी आई आर इक्वल टू, सबसे पहले हमें पाई की वैल्यू चाहिए, पाई की वैल्यू किस में स्टोर कराई है हमने, पी आई नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पी आई इंटू, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, पी आई इंटू आर इंटू आर, ये बन गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पूरा। और ये पूरा कैलकुलेट अपने आप हो जाएगा, आर की वैल्यू जो आप डालोगे वो आर से मल्टीप्लाई होकर पी आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर किस में आ जाएगी, सी आई आर में, जैसे टोटल में हुआ था, जैसे स्क्वायर में हुआ था, सेम वैसे ही होगा। अब हमने प्रिंट एफ कराकर, प्रिंट एफ यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया मैंने प्रिंट एफ, और यहाँ पर हमने लिखा क्या, रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंट एफ, क्योंकि वो वैल्यू भी कैसी है जो सी आई आर में गई है, प्लॉट टाइप की, परसेंट एफ, और यहाँ पर किसके अंदर हमारा आउटपुट है, सी आई आर के अंदर, उसे प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा, डन हो गया प्रोग्राम, बहुत ईजी था। ठीक, इस तरह से हम एरिया ऑफ सर्कल निकालने का यहाँ पर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक प्रोग्राम दे रहा हूँ, आपको मुझे बनाकर दिखाना है, कमेंट कर देना यदि आपसे बन जाए तो, और आई थिंक बन जाना चाहिए इतना अच्छा पढ़ाने के बाद। तो वो क्या है, देखिए प्रोग्राम जो है वो है, आपको प्रोग्राम बनाना है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में साधारण ब्याज कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम बनाना है आपको, और मैं फॉर्मूला आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि फॉर्मूला बताऊंगा तो बहुत सारा काम आपके लिए पहले ही खत्म हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सोचने का मौका मिले। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम बनाना है, और आपको नेट की हेल्प नहीं लेनी है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके मुझे कॉपी करके कमेंट पेस्ट करके मत बताना। ठीक है, मैं पहचान जाता हूँ इंटरनेट के प्रोग्राम में, बहुत अच्छे से पहचान जाता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे खुद से बनाना और फिर मुझे बताना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूँ। तो चलिए, जो प्रोग्राम हमने अभी समझा था ना, इसको एक बार इसका आउटपुट हम सॉफ्टवेयर के जरिए देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा वो प्रोग्राम हमारा एज इट एज है जो मैंने बताया। ठीक, यहाँ पर मैंने एक आर वही सब कुछ लिया हुआ है। ठीक, इसे मैं यहाँ कर देता हूँ कंपाइल एंड रन। तो देखिए, जो चीज प्रिंट एफ में लिखी हुई थी वो हमारे सामने आ जाएगी। तो प्रिंट एफ में लिखा होता एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, देखो आपको दिखाई दे रहा है, तो रेडियस की वैल्यू मैं कोई भी एंटर कर रहा हूँ, तो कोई भी मैं क्या एंटर कर रहा हूँ, 3.5 कोई भी। ठीक, पॉइंट वाली वैल्यू, दैट्स व्हाई मैंने क्या लिया है वहां पर फ्लोट, और एंटर कर दिया तो रिजल्ट क्या आ गया, 38.46। ठीक, तो इस तरह से हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। तो यह था हमारा प्रोग्राम एरिया ऑफ सर्कल का, और आप मुझे वो प्रोग्राम जो मैंने आपको बोला है वो बनाकर दिखाइएगा।
सो फ्रेंड आज के वीडियो में तो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। यदि आप शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो पे ज़्यादा लाइक नहीं आएगा, और ज़्यादा लाइक नहीं आएंगे तो मैं आपके लिए आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए। यदि आप आगे मुझसे इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज पर, कहीं भी शेयर करिए। बस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए ताकि ज़्यादा व्यू आ सके, मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।